नए वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे सोनिया कहाँ कहाँ जल्दी सुबह सुबह बंधन गए तुमसे मतलब मतलब पति हूँ तुम्हारा हक है मेरा जानने का कि ये सुबह सुबह मेकअप की दुकान बन के कहाँ जा रही हो तुम ओ बड़े हक की बात हो रही है आज इस घर में चलो सही है हो तो रही है तो मैं भी अपने हक की बात कर लेती हूँ क्या मेरा हक नहीं बनता कि मेरा पति मुझे दुनिया के ऐशो आराम दे मेरी फरमाइशें पूरी करे मुझे मुट्ठी भर पैसों के लिए अपनी फीलिंग्स को दबाना ना पड़े बोलो अरे फिर वही बात तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को अच्छे से पता था कि मेरे हालात क्या है शादी करते वक्त लेकिन उसके बावजूद भी ना तुम कोई मौका नहीं छोड़ती मेरी बेइज्जती करने का पहले इज्जत कमा तो लो शेखर जो सिर्फ पैसों से मिलती और मेरे घर वालों को ये भी पता था कि तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो लेकिन चार बार ट्राई करने के बाद भी तुम सक्सेसफुल नहीं और बन गए एक मामूली से टीचर जाओ अपनी खटारा बाइक पे अपनी सस्ती क्लासेस लो क्या है अरे बाबा दिन के लिए सॉरी कब तक नाराज रहोगी ऐसे बात दिन की नहीं शेखर बात आगे की है ऐसी तुम्हारी मामूली इनकम में हम कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते मैं कब से चाहती हूँ कि हमारे पास एक कार हो एक नॉर्मल सी बात होगी आज पर वो भी नहीं होता तुमसे सुनिया मैं क्या करूं मैं कितनी कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी क्लासेस बढ़ा लूं लेकिन आजकल के स्टूडेंट्स को महंगी महंगी क्लासेस में जाना है और इस चक्कर में मैं अपनी फीस भी नहीं बढ़ा पाता तो रखो कम और सोने दो मुझे मेरी किस्मत खराब थी कितना बोलती थी मैं पापा को कि एक बार शेखर को यूपीएससी क्लियर करने तो फिर शादी का देखेंगे पर नहीं उन्हें कहा मेरी सुननी थी और झेलना पड़ रहा है मुझे हेलो सर हेलो मधु आइए ना मैं आपका इंतजार कर रही थी मधु एग्जाम्स आने वाले हैं तो तैयारी शुरू करनी पड़ेगी हमें वैसे आप आज क्या पढ़ाने वाले हैं सर अरे मैं उठाता हूँ ना
सर ये क्या कर रहे हैं सर आप? ये सब करने तो आता हूँ मैं। एक टीचर को अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा करना चाहिए क्या? एक स्टूडेंट अगर टीचर की कमजोरी बन जाए तो जरूर करना चाहिए। टोटल शेयर्स हैं 10,000, है ना? अगर ये 10-10 ईच अगर किसी को देता भी है तो इसके पास कितने बचेंगे? अरे छोड़ो ना ये सब, तुम ये बताओ कि कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? हमारे बारे में आगे क्या सोचा है तुमने? आगे? मधु तुम सब कुछ जानती हो मेरे बारे में? कैसा सवाल है? आगे से इस तरह के सवाल मत पूछना मेरे से। वैसे भी ट्यूशन क्लासेस का टाइम हो रहा है, जाना मुझे। अरे ठीक है ना, नाराज क्यों हो रहे हो? माफ कर। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? वो शेखर। कौन है सोनिया? अबे अशोक, अरे कैसे है? मैं ठीक हूँ सोनिया, ये अशोक। हम लोग साथ में यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और फिर ये जनाब गल्फ चले गए, और ये मेरी बीबी सोनिया। ओहो, नमस्ते। Hi. अरे आना, बैठ के बात करते हैं। आजा। मैं कुछ लेकर आती हूँ। हाँ ठीक। और बता क्या चल रहा है, कब आया कल से? देखने में तो एकदम सेठ वेट लग रहा तू। अरे कुछ नहीं यार, पिछले वीक आया था। अच्छा। अब ना तो तेरा एड्रेस था ना ही नंबर, फिर एक दिन मुझे अपना वो जूनियर मिल गया जग्गी। उसी ने एड्रेस बताया तो मिलने आ गया। सुना आजकल तू मास्टर जी बन गया। क्या बताऊं यार, यूपीएससी के लिए 4 बार ट्राई किया, कुछ हुआ नहीं। फिर शादी हो गई, अब कुछ तो करना ही था, तो सोचा जो ट्रेनिंग में सीखा है वही सिखाते हैं बच्चों को। खैर मेरा छोड़ दो, तू बता क्या चल रहा है? बस यार, इतने साल से गल्फ में काम कर रहा हूँ, अब वापस यहीं सेट होना चाहता हूँ। अपनों के बीच मेरा एक पार्टनर है, सोच रहा हूँ उसके साथ मिलकर एक कार का शोरूम खोल लूँ। बहुत बढ़िया यार, बहुत सही। क्या हुआ शेखर, भाभी कुछ कहना चाहती है क्या? कुछ नहीं यार, वो बस ऐसे ही बोल रही थी। मैं बताती हूँ, इनसे तो बताया जाएगा नहीं। वो दरअसल हम लोग बहुत दिन से एक कार का प्लान कर रहे हैं, पर हमारे बजट में पुरानी बाइक ही है। बस इतनी सी बात, शेखर
बताना चाहिए था ना, मैं जल्द से जल्द तुम दोनों के लिए एक ब्रांड न्यू कार अरेंज कर देता हूँ। अरे पर अशोक यार, मेरा पैरोवर कुछ नहीं, घर जैसी बात है यार, पर तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा। पर यार मैं अभी कार अफोर्ड नहीं कर सकता भाई। तू चिंता मत कर, टाइम आने पर सब वसूल लूंगा। खैर अभी चलता हूँ, जल्द मिलेंगे। अरे अशोक जी, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, मैंने वो चाय रखी थी, लीजिए ना। अरे लूंगा ना भाभी, आराम से लूंगा, तो आना जाना लगा ही रहेगा। और हाँ, अशोक जी नहीं, सिर्फ अशोक। चल जल्दी। क्या जरूरत थी उसके सामने मुंह खोलने की? मैं थोड़ी बहुत इज्जत की परवाह है कि नहीं? क्या सोच रहा होगा वो? कुछ भी सोच रहा होगा, पर ये नहीं सोच रहा होगा कैसे अफोर्ड करूंगा। मैं इतना खटारा नहीं चलाता, वो कार का शोरूम है उसके पास। ये गलती करने की सोचना भी मत। अरे अशोक जी, आइए आइए, अंदर आइए। फिर जी, भाभी भूल गई आप, सिर्फ अशोक। सॉरी सॉरी, अब याद रखूंगी। अच्छा, मैं ये कार ब्राउचर्स लेके आया था आपको दिखाने। शेखर नहीं दिख रहा? वो कोई क्लास लेने गए हैं। अच्छा, आप ही देख लीजिए फिर। अच्छा भाभी, मैं एक बात पूछूं आपसे तो बुरा तो नहीं मानूंगी? हाँ पूछिए। कि शेखर कितना कमा लेता होगा इन सब क्लासेस से? क्या बताऊं, बस समझ लीजिए कि हैंड टू माउथ है। समझाया था मैंने उसको कि मेरे साथ गल्फ चल, पर नहीं, उसको तो यहाँ रह कर यूपीएससी करना है। देखो अरे भाभी, अब रो रही है। ठीक है, मेरे रहते आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाभी अब मुझे अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है, तो मैं शेखर को ही कहूंगी ना, पर वो तो इसलिए भी नाराज हो जाते हैं। कल तो उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया। भाभी आप रोइए मत। अभी मुझे चलना चाहिए, मेरा कार्ड है उसमें मेरा नंबर है, आप कार्ड सेलेक्ट करके बता दीजिएगा। ये वाली ठीक लग रही है। दुनिया, ये कार के ब्रोशर्स कहाँ से हैं? अशोक आया थे ब्रोशर्स लेके, ताकि इनमें से हम एक कार सिलेक्ट कर सकें।
कितने अच्छे हैं ना वो, उनको उनका प्रॉमिस याद था। लेकिन तुम भूल रही हो कि ये सारी चीजें ना फ्री में नहीं आती हैं, पैसा लगता है इनमें। कहां से लाएंगे हम लोग इतना पैसा, सोचा तुमने कभी? तुम्हारे साथ रह के सोचने के अलावा किया ही क्या मैंने? सोनिया वो एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, अगर आज अनजाने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज। नहीं नहीं प्लीज, आप सॉरी मत बोलिए। आज आपसे मिलकर ऐसा लगा जैसे किसी अपने से मिल रहे हैं, दिल हल्का हो गया। एक बात कहूँ, जितने तुम खूबसूरत हो तुम्हारा दिल उतना ही खूबसूरत है। थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं अशोक। थैंक यू। किसका फोन था? वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी नमिता। तुम्हें और सोनिया में बनती नहीं है तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? इतना आसान नहीं है मेरे लिए मधु सोनिया को छोड़ना। सोनिया के पापा बहुत रसूख वाले आदमी और बहुत एहसान है उनके हमारे ऊपर। सो अभी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए सोनिया को छोड़ना। तो क्या लाइफ लॉन्ग हम ऐसे ही रहने वाले हैं? अरे फिर वही बात मधु, सही टाइम आने, सही टाइम आएगा तो सही काम भी हो जाएगा। अभी के लिए तो हम लोग सही से रह रहे हैं ना, हाँ? भरोसा नहीं है मेरे को, है ना? आप अब शेखर तो इस वक्त घर पर होते ही नहीं है। मालूम है, इसीलिए तो आया हूं। आज मुझे सिर्फ तुमसे मिलना है, अंदर आ जाओ। हाँ आइए ना। अच्छा सोनिया, मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला सकता हूँ ना? हाँ अब तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। वो मैं आपने कार फाइनल कर ली? हाँ फाइनल कर ली, मैं ब्रोशर लेकर आती हूँ। जब पहली बार तुम्हें देखा था तभी तुमसे प्यार हो गया था। सोनिया तुम मेरे दिलो दिमाग में छाई हुई हो, इसीलिए बार बार यहाँ आता हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो सोनिया।
नाश्ते में क्या है आज? ब्रेड बटर। अरे यार तुम रोज रोज ब्रेड बटर, कभी कुछ चेंज करके बना दिया करो ना। तुम भी तो रोज रोज वही हो ना शेखर, तुम्हें चेंज कर दूं? तुम्हारी इनकम में यही नाश्ता मिलता है, खाना है तो खाओ वरना जाओ। तुमसे ना बात ही नहीं करनी मुझे। मेरा फोन है, ठीक है, इसे मत छुआ करो। खाओ ये अपना ब्रेड बटर। हेलो मधु, क्या बचपना है ये? मैंने तुमसे मना किया था ना कि नो कॉल्स नो मैसेजेस, फिर भी धड़ाधड़ मैसेज किए जा रही हो तुम, क्या है ये? ये तो मुझे पूछना चाहिए, क्या है ये सब? इतने दिन हो गए ना तो तुम यहाँ आए, ना तो तुमने मेरे फोन का जवाब दिया और ना ही कोई मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हो। ऐसे अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं मुझे, क्यों कर रहे हो ये सब? अगर आज भी तुमसे बात नहीं होती ना तो मैं तुम्हारे घर आ जाती। अरे घर आने के लिए क्या बोल रही हो तुम यार? मैं बिजी था ना, अभी तुम्हें पता है ना मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ट्यूशन में सारा टाइम निकल जाता है यार, और ऊपर से फिर एग्जाम्स भी आ रहे हैं, पता है ना तुम्हें। चलो एक काम करता हूँ, आज मिलता हूँ मैं तुमसे। हेलो हेलो मधु, आ गए आप? मैं आपका इंतजार कर रही थी। लगता है इस नाराजगी को मिटाने के लिए आज बहुत सारा प्यार करना पड़ेगा। मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ शेखर, अब सीरियस होने का वक्त आ गया है। ऐसा क्या हो गया कि सीरियस हुआ जाए? आई एम प्रेग्नेंट शेखर, और यही बताने के लिए मैं तुम्हें कब से फोन कर रही थी, पर तुम ना तो मेरे फोन उठा रहे थे और ना ही मुझसे मिलने आ रहे थे। मधु क्या बोल रही हो तुम? मधु देखो मेरी बात सुनो, एक काम करते हैं, इसे अबॉर्ट कर देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। व्हाट? ये तुम कह रहे हो? मैं सब बिल्कुल नहीं करूंगी, और अब तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, समझे तुम? मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ खेले और निकल गए। मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वैसे भी ये रिश्ता हमारी मर्जी से रहा है ना, तुम अभी ये सब क्यों? देखो इसे अबॉर्ट कर दो, हम दोनों खुश रहेंगे। मैं इसे अबॉर्ट नहीं करूंगी, और तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं तुम्हारी बीवी को जाके सब कुछ बता दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, और ना मैं तुमसे शादी करूं। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता था तुम मेरे गले की हड्डी जरूर बनोगी, इसलिए इसका इंतजाम मैंने बहुत पहले कर लिया था। मतलब
मैं जैसा कह रहा हूँ अगर तुम वैसा करो तो हम सब खुश रह सकते हैं, वरना मैंने अगर ये वीडियो इंटरनेट पर डाल दी तो कहीं की नहीं रहोगी तुम, सब बर्बाद हो जाएगा, लाइफ करियर सब कुछ। और मुझे क्या पता ये बच्चा मेरा है भी या नहीं, इसे जरा सी भी अकल है कि मेरी बात मान लो, इरादों से इसी में हम सबके भलाई है। सुनो मुझे अपनी खटारा पर पार्लर तक छोड़ दो ना। खटारा? सोनिया मैं सोच रहा था आज अशोक को डिनर पे बुला लो। अचानक अशोक क्यों? अचानक मतलब भाई दोस्त है मेरा, बिजी आदमी है और कार लेने में हमारी हेल्प भी तो कर रहा है, डिनर पार्टी तो बनती है। क्या हुआ, चला नहीं है? नहीं नहीं तुम जाओ, अब वो मेरे सर में दर्द सा हो रहा है, मैं बाद में जाऊंगी और शाम के डिनर की तैयारी भी तो करनी है। ठीक है। और आगे याद हमारी? अरे वो सब छोड़ो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे पर हुआ क्या, और तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? अभी शेखर मुझे बोल के गए हैं कि वो तुम्हें यहाँ डिनर पे इनवाइट करेंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उन्हें हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया। अरे तुम फालतू में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसे खाने पीने को बुला रहा होगा और वैसे भी हम दोनों को साथ में बैठे काफी टाइम हो गया। ओके ओके दर्द हो रहा है सर, तबीयत ज्यादा खराब लग रही है तुम्हारी। मैं तो ये सोच के लौट आया कि तुम मेरे सर में दर्द करती हो, तुम्हारे सर में किसने कर दिया? तुमने? मैंने क्या? मेरा मतलब है कि तुमने आज अपनी क्लास छोड़ दी। हाँ मैंने सोचा आज घर पे रुक जाता हूँ, थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, पर अगर तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब लग रही है तो डॉक्टर के पास चलते हैं, पानी ले आऊं तुम्हारे लिए? नहीं मैं गोली ले लूंगी। अरे ये क्या, ये सरदर्द ने तुम्हारी पर्सनैलिटी बदल दी क्या? भाई ताने मारो, खरी खोटी सुनाओ मुझे, ये कहाँ पानी ले आई तुम मेरे लिए? अरे नहीं वो बाहर इतनी गर्मी है ना तो मुझे लगा कहीं तुम्हें भी मेरी तरह अजीब ना लग रहा। ओ अजीब तो लग रहा है मुझे, है थैंक यू। अच्छा तुम
गए ही नहीं या जाके वापस आए? क्यों, क्या हुआ? अरे हुआ यूं, मैं यहां से निकला, थोड़ी दूर जाके बाइक बंद हो गई, फिर मुझे याद आया कि ये तो खटारा है, तो मैं बाइक वापस घसीटते हुए यहां ले आया। खैर वो छोड़ो, ये बताओ तुम ठीक हो ना? शाम का खाना बना लोगे? हाँ हाँ। क्या हुआ, शरबत भी लेके आऊँ क्या मैं? लिया सच में यार, पुराने दिन याद आ गए। क्या दिन थे वो भी। दिन तो थे ही, रातें भी थी। काफी रात हो गई है और तुम दोनों काफी ड्रिंक्स ले चुके हो। अरे अब आराम करना चाहिए। अरे आराम की क्या बात है यार, अभी तो मुझे मेरे दोस्त के साथ बहुत सारी बातें करनी है। तुम सो जाओ, तुम्हें सोना था। अरे जाओ ना। ठीक है। सो जाओ ना, जाओ। पसंद आई मेरी बीवी? भाभी हाँ अच्छी हो, किस्मत वाला है भाई तू, तो तुझे ऐसी अच्छी बीवी मिली। काश मुझे भी ऐसी ही बीवी मिल जाए। तो एक काम करना, इसी को रख ले। क्या क्या बकवास कर रहा था, चढ़ गई है तुझे? कुछ नहीं पिए तकले से। हाँ मतलब वो मतलब चल ठीक, मतलब की बात देख, तू मुझे कार तो दे ही रहा है, 20 लाख रुपए और दे दे। क्या 20 लाख? किस बात के 20 लाख? किस बात के? मेरी बीवी से अफेयर करने के 30 लाख। यार देख मैं सब समझाता हूँ, ये सब अचानक से हो गया था। अचानक से नहीं हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। खैर छोड़, मुद्दे की बात पे आते हैं। तू मुझे ये बता, तू मुझे पैसा कैश देगा या चेक देगा? इतना नीच आदमी है तू, ये बीवी के सहारे मुझसे पैसे हट रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? चाह नहीं देता तुझे एक भी पैसा, क्या कर लेगा? मत दे, जबरदस्ती थोड़ी है। पर कल को अगर मैंने ये वीडियोस और फोटोज इंटरनेट पे डाल दिए तो तू माइंड मत करना बस। तू मुझे ब्लैकमेल करना चाह रहा है? अरे इसमें तेरी बीवी भी तो है, उसको बदनाम करेगा? मैं मेरी बीवी होती ना तो तेरे साथ सोने भी होती, समझा? इसने सारी जिंदगी मुझे तानों के अलावा कुछ नहीं दिया, इसलिए मुझे इसकी कोई वैल्यू नहीं। तो तूने अगर पैसे दिए तो ठीक, वरना ये सारे वीडियोस और सारे फोटोज इंटरनेट पर डाल दूंगा। चुप! उसके बाद तू देखना, ना रेपुटेशन ना लाइफ। अभी सोच जो करने का। देखो
शेखर! बड़ी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सोनिया जी, आखिरी बार आपने अपने पति शेखर को जिंदा कब देखा था? कल रात को शेखर और उसका दोस्त अशोक दोनों डिनर पार्टी कर रहे थे। मुझे नींद आई तो मैं सोने चली गई और उठकर देखा तो देखिए, संभालिए अपने आप। आपके पास अशोक का नंबर होगा क्या? कब हुआ ये? ये तो तुम हमें बताओगे ना अशोक। शेखर की बीवी सोनिया ने आखिरी बार तुम्हें देखा था शेखर के साथ। इंस्पेक्टर, आप मुझ पर फिजूल में शक कर रहे हैं। मैं जब गया था शेखर बिल्कुल ठीक था। इतना याद रखना अशोक, अगर शेखर के मर्डर में तुम्हारी किसी भी तरीके की इन्वॉल्वमेंट हमें मिली तो किसी का बाप भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, समझे? सर, सर सिर्फ शेखर का फोन लापता है, बाकी सब वैसा का वैसा है। एक काम करो, शेखर का फोन सर्वेलेंस पे डालो और अशोक के कॉल रिकॉर्ड से निकलवाओ और उसे बोलो थाने आके मिलने के लिए। हाँ, बीट चौकी से जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसका क्या हुआ? सर ठीक है, बाद में बात करता हूँ। सर ये शेखर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंड अशोक के कॉल रिकॉर्ड। शेखर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत रात 2 बजे के बाद हुई थी और अशोक के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो रात को 1 बजे के बाद शेखर के घर से चला गया था। अब घर में बची सोनिया, लगता है सोनिया हमसे कुछ छुपा रही है। मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ सर। कुछ नहीं छुपा रही तो अशोक को रात रात भर मैसेज और दिन दिन भर कॉल क्यों किए जाते थे? दोस्तों ये शेखर का था ना, याराना तुम नहीं मार रही थी? सर वो मुद्दे की बात पर जाते हैं। सुनिए, क्यों मारा शेखर? क्योंकि वो तुम्हारे और अशोक के बीच में रुकावट बन रहा था। सर ऐसा नहीं है, बल्कि इसका उल्टा था। मतलब? मतलब शेखर ने मुझे अशोक के करीब आने के लिए कहा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये सब तुमने सोचा भी कैसे? रहने दो सोनिया, अंधा नहीं हूं मैं, ठीक है? देखा मैंने तुम दोनों को कैसे टकटकी बांध के देख रहे थे एक दूसरे को। अब प्रॉब्लम क्या है? मैं कह रहा हूं ना तुम्हें उसके नजदीक जाने के लिए, तो दिक्कत क्या है? हाँ, पैसे की लाइफ तुम्हें भी चाहिए और मुझे भी। बहुत दिन हो गए, गोल्डन चांस है हमारा ये, जाओ उसके पास। इसीलिए मैं अशोक के करीब आई थी। अगर मैं और शेखर मिलके कर रहे होते तो मैं क्यों मारूंगी उसे? अब आपने शेखर को मारा है या नहीं ये तो हमारी तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आपको एक आदमी को ब्लैकमेल करने की साजिश का हिस्सा बनने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। सर शेखर का फोन अभी अभी ऑन हुआ है सर, ये रहा लोकेशन। जी हटिए, आपके घर की तलाशी लेनी है। सर क्या हो रहा है ये सब? तलाशी लो। सर कुछ तो बताइए, सर ये सब क्या है? शेखर को कैसे जानती हैं? शेखर सर मेरे टीचर थे, पर बात क्या है सर कुछ तो बताइए। पर ये मोबाइल फोन मिला है। ये शेखर का फोन क्या कर रहा है तुम्हारे पास? और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है अलावा सच कबूल करने? तुम्हारा शेखर को बोलो। हम दोनों का काफी टाइम से अफेयर चल रहा था सर, फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं
और शेखर ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया सर, और उसने मुझे धमकियां दी कि अगर मैंने किसी को भी कुछ भी बताया तो वो मेरी वीडियोस वायरल कर देगा सर। मैंने डिसाइड किया कि मैं काफी दिन से मौके की तलाश में थी सर। फिर उस दिन जब मुझे दरवाजा खुला दिखा तो मैं समझ गई कि यही मेरा मौका है। उस दरिंदे की यही सजा थी सर। पता नहीं इसने मेरे जैसे और कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया होगा। फिर चलो सर।